डॉक्टर विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विवेक कोडे कांग्रेस पार्टी से। डॉक्टर विवेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यही सवाल आपसे, देखिए पहले अखिलेश यादव, फिर अरविंद केजरीवाल, फिर संजय राउत, अब ममता बनर्जी, एक के बाद एक जो भी आपके सहयोगी दल हैं वो अपना अपना ऐलान कर दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि देखिए साहब, हम तो इतनी सीटों पर लड़ रहे हैं, बाकी आपको जो तय करना है वो इंडिया गठबंधन में आप तय करते रहिएगा। सवाल तो ये खड़ा होगा ना सर कि क्या वाकई ऑल इज वेल? देखिए, हम अलग अलग विचार के लोग, ये जो भाजपा का जो फैसिज्म है, भाजपा की जो तानाशाही है, भाजपा का जो सर्व संविधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का जो प्रयास है और एक एक छत्र इस देश में निर्माण करने का जो प्रयास है, तानाशाही निर्माण करने का जो प्रयास है, उसको खत्म करने के लिए, उनको हराने के लिए इकट्ठे आए। हम भूतकाल में भी एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे और भविष्य में भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन इस समय हम जो इकट्ठे आए हैं वो भाजपा का पराभव करने के लिए इकट्ठे आए हैं। और जो हमारे में जो भी मतभेद रहेंगे, हर किसी पार्टी का पूरा हक है कि उनका विस्तार करने का, उनका नेतृत्व निर्माण करने का, पूरे देश का नेतृत्व कर निर्माण करने का, ठीक है, लेकिन और उसमें हमारी कोई, जो आप कह रहे हैं इसके लिए तो, हम कोई ऑब्जेक्शन ले नहीं सकते ना, और कोई किसी पार्टी के ऊपर नहीं ले सकती, लेकिन तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन लेकिन हमें सुन लीजिए, जो आप कह रहे हैं कि देखिए साहब, हम पहले भी लड़ते रहे हैं साथ में, एक दूसरे के आगे भी लड़ते रहेंगे एक दूसरे के खिलाफ, अभी हमारी लड़ाई बीजेपी को हराने के लिए, सर ये तो अवसरवादिता लगती है ना, अपॉर्चुनिज्म लगता है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को हराओ, विचारधारा कुछ भी हो, चाहे अंतर कुछ भी हो, और कैसे आप एक साथ होकर लड़ाएंगे? अभी तो लोकसभा चुनाव में ही इस तरीके की तमाम खबरें सामने आ रही है। डॉक्टर विवेक देखिए, मैं आपको वापस कहता हूं कि ऐसे तान तनाव रहते हैं और हर एक पार्टी को अपना नेतृत्व आगे करने का पूरा हक है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और हमारा एक डेमोक्रेटिक अलायंस है। उस डेमोक्रेटिक अलायंस में हम अलग अलग विचार के लोग इकट्ठे आए हैं, लेकिन एक विचार पक्का है कि इस देश का प्रजातंत्र, इस देश का संविधान और इस देश का ऐक्य हमें बचाना है, और इसके लिए हमें जो भी कम ज्यादा आगे पीछे जाना पड़ेगा वो हम आगे पीछे जाना पड़ेंगे। आप देखना राकेश त्रिपाठी, ये आगे पीछे जाना लोकतंत्र है या अवसरवादिता का बंटवारा हो जाएगा और हम एक सशक्त चैलेंज, ठीक है, देखिए अनुराग जी, देखिए अनुराग जी, कोई भी गठबंधन जब बनता है तो उस गठबंधन को आपस में जोड़ने के लिए कोई वैचारिक साम्यता का होना आवश्यक है। अगर आप विचारों के आधार पर एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, नीतियों के आधार पर एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, आप कुछ आकांक्षाओं के साथ एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, केवल स्वार्थ के लिए जुड़ रहे हैं, एक नकारात्मक इशू लेकर के, एक नकारात्मक मुद्दा लेकर के कि हमको सत्ता का परिवर्तन करना है, हमको मोदी को हटाना है, इसलिए हम एकजुट हो जाएंगे, मुझे लगता है कि देश ऐसे ही गठबंधन को पहचान रहा है। ऐसा गठबंधन उतर नहीं सकता है। एक पुरानी कहावत है ना, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, आज वही अवस्था बनती हुई दिख रही है। 4 बैठकें कर चुके, बैठकों हर बैठक में तय की जीत गई बातें इनकी खारिज हो गई। तय कर किया था इन्होंने कि कुछ एंकर्स का, कुछ टीवी डिबेट्स का बहिष्कार करेंगे, धीरे धीरे करके एक एक करके तमाम पार्टियों ने इनके इस निर्णय को नकार दिया। अब फिर सारे प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में आने लगे। इन्होंने निर्णय किया था बैठ करके कि हम भोपाल में अपनी एक पहली जनसभा करेंगे, कमलनाथ ने मना कर दिया कि नहीं कोई जनसभा नहीं होगी। जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, केवल फोटो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, केवल मीडिया में सुर्खियां बनाने के लिए अलायंस की चर्चा करना। भाई ये अलायंस को लेकर जमीन पर जाना पड़ेगा ना, कैसे लेकर के जाएंगे जमीन पर? दिल्ली में एक भी सीट देने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार नहीं है, पंजाब में गठबंधन करने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार नहीं है, बंगाल में ममता दीदी सीट देने को तैयार नहीं है, बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच में ही इस समय खटपट चल रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को वहां कौन एडजस्ट करेगा? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जितना अपमान हो रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी तो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, बैसाखियां जरूर तलाश रही है, चाहती है कि गठबंधन बन जाए, लेकिन गठबंधन की कीमत क्या होगी ये कांग्रेस पार्टी, ठीक है।